हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखे सोलर पैनल के बारे में, जो आप लोगों के कमेंट्स के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगे तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, क्योंकि आप सब लोगों के प्यार के वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ और मेरे जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं आप सब लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। तो फटाफट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी आप लोगों के मन में बहम है, जो भी डाउट है, सारी बातें क्लियर होंगी। एक्साइड का पैनल क्या रेट है और कौन सा पैनल अच्छा है, मोनो या फिर पोली, सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको अपनी पूरी शॉप का एक बार पहले व्यू करा देता हूं, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर दोस्तों देख सकते हो आप लोग, अभी मुझे लुमिनस की तरफ से एक लुमिनस का स्टैंड बाई मिली है, बहुत अच्छा है दोनों तरफ से। यहां पर दोस्तों देख सकते हो, यहां पर लुमिनस का है, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद यहां पर लुमिनस के इन्वर्टर है और दोस्तों माइक्रोटेक के इन्वर्टर हैं, दोस्तों अमेज के इन्वर्टर हैं और लिफास्ट के 12 वोल्ट के, 24 वोल्ट के हर मॉडल है हर कंपनी का। उसके बाद दोस्तों एक्साइड का समर सेबल चलाने वाला ये इन्वर्टर भी है, ये यूटीएल का भी 2 KVA का है और माइक्रोटेक का यहाँ पर 48 वोल्ट में 4 KVA का माइक्रोटेक का इन्वर्टर। दोस्तों यहाँ पर 335 वाट पोली पर्क पैनल है और अभी हम इन दोनों पैनल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पर मशीनों की इन्वर्टर वाली बैटरी, यहाँ पर ऑटोमोटिव, यहाँ पर सारा टोटल सोलर पैनल है, यहाँ पर भी सोलर पैनल, यहाँ पर इन्वर्टर वाली बैटरी, और यहाँ पर इन्वर्टर वाली बैटरी सीजन के लिए। अभी रेट कम है, रेट डाउन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ परसेंट डाउन है, इसलिए मैंने मंगा ली है 50-60 बैटरी। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जरूरत बैटरी को पैनल की ज़्यादा होती है लेकिन बहुत कम लगा लेते हैं, फिर ना बैटरी काम करती है ना पैनल काम करता है। कम से कम अगर आपकी 150 एम्पियर की बैटरी है तो कम से कम उस एम्पियर से डबल होना चाहिए, जितने एम्पियर की आपकी बैटरी है उतने से डबल पैनल होना चाहिए। वरना तो अगर आपके पास बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो अगर 150 एम्पियर की बैटरी है तो उसके लिए 3 गुना ज़्यादा पैनल होना चाहिए, मतलब 3 गुना 450 वाट पैनल कम से कम होना चाहिए, उससे आपका पैनल पूरी तरह से काम करेगा, बैटरी पूरी तरह से काम करेगी, दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला जो पैनल है 2550 रुपये इसका प्राइस है, सोलर पीवी मॉडल 75 वाट, 25 ईयर्स की वारंटी है। दोस्तों एक्साइड कंपनी का है ये, जाना माना नाम, नाम पहचाना हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस बॉक्स से बाहर हमने निकाला, यहाँ पर एक्साइड लिखा हुआ मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इसके अगर फ्रेम की बात करें तो सबसे हाई क्वालिटी में मेरे पास जो भी पैनल हैं तो सब अच्छे, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई क्वालिटी में। फिनिशिंग जो ग्लास में होना चाहिए वो बहुत अच्छी फिनिशिंग है। उसके बाद अगर हम बैक साइड की बात करें तो हमें यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ जो है वारंटी कार्ड देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से कुछ कंपनियाँ हैं या कुछ पैनल हैं जिसमें वारंटी कार्ड हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस पैनल में वारंटी कार्ड देखने को मिलता है विद सीरियल नंबर, जो बैटरी पैनल का सीरियल नंबर उसके साथ। यहाँ पर एक दो स्टिकर लगे हुए हैं, ओके टेस्टेड और QC पास्ड। उसके बाद यहाँ पर एक जो है बैक साइड में एक जो स्टिकर लगा हुआ है जो हर पैनल में होता है, ये मेन बात है। पीवी मॉडल 75 वाट। अगर हम इसके एम्पियर की बात करें दोस्तों, एम्पियर की, तो यहाँ पर 4 एम्पियर लगभग करंट दे रहा है, ये 4.5 एम्पियर, ठीक है, पावर करंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर तार का कनेक्शन होता है, यहाँ से माइनस वाला डाला जाता है, यहाँ से प्लस वाला अंदर कनेक्शन हो जाता है। और एक चीज़ का दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा पैनल आया जो 75 वाट का है, 10 एम्पियर चार्जिंग कर रहा है, वो सारी बातें फेक हैं। इसकी जो चार्जिंग है केवल 4 से 5 एम्पियर है, अधिक धूप होती है तो 4.5 एम्पियर से 5 एम्पियर, और नॉर्मल धूप होती है इस टाइम के मौसम के हिसाब से ये करेगा 3.5 एम्पियर चार्जिंग। बिल्कुल सही बात इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो सारी वीडियो आप लोग जो है, आप लोगों को पता है मैं नंबर एक की बनाता हूँ, मतलब जो सच होता है वो बताता हूँ। प्राइस 2550 रुपये मैंने आपको बता दिया है, क्या रेट पड़ा वो आप जोड़ लेना, ऐसे ही पड़ेगा 3500 रुपये के बाट के समथिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैं आप लोगों की कौन सी सेवा में वीडियो बना सकता हूं आप लोगों को, आपकी डिमांड के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बता देना, लिख देना, बता देना आप। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं सच बताता हूं, क्योंकि मेरे एरिया के लोग नहीं देखते, बहुत बहुत दूर के लोग देखते हैं और बहुत विश्वास करते हैं मुझ पर, तो मैं विश्वास कभी घात नहीं करूंगा, ठीक है, जो बात होगी सच बताऊंगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो लाल कलर बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें दोस्तों।